नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूँ किरण। आज धनतेरस है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने की मान्यता है। धनतेरस पर खरीदारी और प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ ही मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहता है। आज धनतेरस पर प्रदोष काल का समय शाम 5:35 से रात 8:11 तक रहेगा। प्रदोष काल में पूजा के बाद यम देवता को प्रसन्न करने के लिए घर में दीप जलाएं। कई स्थानों पर आज के दिन सोने, चांदी और घर के लिए बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए आपको बता दें धनतेरस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त आज शाम 6:17 से रात 8:11 तक रहेगा। यम दीपक का समय शाम 5:35 से 6:53 तक रहेगा। अब आपको बता दें धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पूजा के समय भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी की षोडशोपचार पूजा करें। भगवान धन्वंतरी को गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली, अक्षत आदि चढ़ाएं। उनके मंत्रों का जाप करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं। भगवान धन्वंतरी को श्री फल व दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के अंत में कपूर से आरती करें, फिर घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। एक दीपक यम देवता के नाम का जलाएं। अब आपको बता देते हैं कि धनतेरस के दिन की परंपरा क्या है। धनतेरस के दिन पीतल, चांदी, स्टील के बर्तन खरीदने की परंपरा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से धन समृद्धि आती है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन से दीपावली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर शाम के समय एक दीपक यम देवता के नाम का भी जलाया जाता है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से यम देव प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। आप सभी को जन संदेश टाइम्स परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।